उसी का पहले हम मंचन करेंगे होली का दहन से। कहते हैं चुप करो, मेरे राज्य में मेरी प्रजा मात्र मेरे नाम का मंत्र जाप करती है, पूजन अर्चन प्रार्थना करती है, मेरे अलावा और किसी का नाम मैं नहीं सुनूंगा। किंतु प्रहलाद मानता नहीं है। पिता पुत्र प्रहलाद को गहरी खाई में ढकेल देता है। इतना असहिष्णु है हिरण्यकशिपु। नारायण अपनी बहन होलिका को बुलाकर आज्ञा देता है, तुम्हें वरदान मिला है, वरदान में मिले हुए उत्तरीय को ओढ़कर तुम जब बैठोगी तो किसी भी प्रकार का अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगा। तो अब जाओ और इस उद्दंड प्रहलाद को गोद में लेके बैठो ताकि वो जल के भस्म हो जाए। नारायण 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 प्रत्येक ऋतु का अपना रंग, अपना मूड, अपनी संवेदना, अपने रंग होते हैं। लेकिन हमारे देश में विशेष रूप से वसंत को उन्माद से मनाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में बहुत ही छोटी अवधि की ऋतु है, ज्यादा टिकती नहीं है। तो जो सौंदर्य की चरम सीमा होती है उसका रस भ्रमर जानते हैं कैसे पीना। हमारे उड़ीसा में तमाल वृक्ष, घटादार वृक्ष और रंग रंगी फूल, बहुत जंगल है, वन है। तो वहाँ पर जो सबर जाति के लोग हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो वास्तव में आदिवासी ही हैं, हम तो बाद में आए हैं। वो जानते हैं कैसे वन उपवन जंगल में घूमना, आनंद लेना और पशु पक्षी प्राणियों के साथ खेलना, और लेकिन अपने जीवन निर्वाह के लिए भी काम करना। तो प्रस्तुत करते हैं सबर टोका, टोका यानी यंग मैन, एक नवयुवक। प्रस्तुत है सबर टोका मयूरभंज छाव की शैली में। Thank you.
एक और झलक। मैंने कहा हुआ है कि तीन व आवश्यक है, विचार की शुद्धता, जो वाणी की शुद्धता में परिवर्तित होकर व्यवहार की शुद्धता में आती है, और इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं शिव पुराण का एक बहुत ही रसिक प्रसंग। पहले ही मैंने कहा कि शिव भोलेनाथ भोले भंडारी, जो चाहे वो तपस्या कर ले और प्रसन्न कर दे शिव को, और शिव न देखते हैं दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, वरदान देके चले जाते हैं, और उसी वरदान से क्या क्या होता है बाद में, असुर राज ने तपस्या की, शिव प्रकट हो गए, मांगो वरदान, वरदान मांगा पहला, तीनों लोक में मुझे कोई मार न सके, शिव ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा मांगो, असुर राज चतुर निकला, उसने वरदान मांगा मेरा दाया हाथ जिन जिन पे जहां जहां किसी पे भी रखूं वो जल के भस्म हो जाए, शिव ने कहा तथास्तु, शिव चले गए। असुर है जिसके विचार कितने टेढ़े होते हैं, सोचता है वरदान तो मिल गया, ये वरदान सही है या नहीं है कि शिव ऐसे ही तथास्तु बोल गए, ट्राई करता हूं, किस पे ट्राई करूं, शिव पे ही ट्राई करता हूं। असुर राज भागे शिव के पीछे ढूंढते हुए, शिव ने देखा वो आ रहे, शिव भागे आगे असुर पीछे। अब आता है वो क्षण जब विष्णु सोचते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, और विष्णु युक्ति करने में बहुत उस्ताद है, शिव भोलेनाथ है, विष्णु उतने ही चतुर हैं, उन्हें तो सृष्टि का परिपालन करना है ना, तो मोहिनी रूप धारण करके रास्ते में आते हैं। असुर है अपना लक्ष्य भूल गया, शिव मोहिनी को देख के भ्रमित हो गया, मोहिनी के पीछे चला गया और मोहिनी के सामने प्रपोजल रखी, मैं असुर राजा, तुम सुंदरी आ जाओ। मोहिनी ने कहा ऐसे नहीं, मैं महान नृत्यांगना हूं, मेरे साथ स्पर्धा करो, तुम जीते तो मैं तुम्हारी, ठीक है आओ। स्पर्धा हुई और नृत्य की मुद्रा भाव भंगिमा पद चलन लय विन्यास में मोहिनी ने ऐसी चाल चली कि असुर राजा ने स्वयं अपने सर पे अपना ही हाथ दाया रख दिया, जल के भस्म हो गया, और वहीं पर दौड़ते हुए शिव आते हैं, विष्णु उनको बताते हैं ये रहा तुम्हारा असुर, भस्म की ढेरी है। हरि हर, हम एक तरफ कहते हैं शक्ति और शिव, उमा महेश्वर, उसी का दूसरा स्वरूप है हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव। इसमें हमारा संदेश ये है कि गलत विचार गलत आचरण आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा, वही होगा जो असुर राज के साथ हुआ। स्वच्छ विचार, स्वच्छ वाणी, स्वच्छ व्यवहार, स्वच्छ वातावरण।
देवी हो गई, हमारे शिव हो गए, अब आते हैं कृष्ण पे। लेकिन उनकी जो कथाएं हैं वो इतनी अद्भुत हैं और वो हमें बताती हैं, दर्शाती हैं कि हम भी उस देवत्व को, दिव्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे में निहित है, हम यदि उसे पहचाने तो। भयंकर विषैला नाग अपने कुनबे परिवार के साथ आकर यमुना के उस तट पर, जहां कमल के फूल खिलते थे, जहां गोपियां स्नान करने आती थीं, पानी भर के ले जाती थीं, जहां कृष्ण की बाल्य लीला होती थी, जहां यात्री आकर विश्राम लेते थे कदम की छाया में, जहां पशु पक्षी प्राणी पानी पीते थे, वनस्पति औषधि वृक्ष बेली वनराजी खिलती थी, वहां पर कालिय के आने के बाद यमुना का कालिंदी कहलाती है, नीला पानी काला हो गया, विष फैल गया, उस दुर्गंध वाले काले पानी की वजह से सारी चीजें झुलसाने लगी, सूखने लगी, पशु पक्षी प्राणी गिर के मरने लगे, यात्री मरने लगे। नंद बाबा ने ऑर्डर दिया, कोई वहां नहीं जाएगा, अपने अपने कुएं से पानी खींच के पिएंगे। कृष्ण ने कहा, अब समय आ गया है, अरे आ जाओ, कहाँ हो श्रीनाथ, सुदामा आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, श्रीदाम गेंद से खेलते हैं, देखो कितनी सुंदर गेंद दी है पिताजी ने, आओ। खेलते खेलते चले गए यमुना के किनारे और जानबूझ के गेंद फेंकी दूर, यमुना की मझधार में पड़ी हुई गेंद तैरती 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 गहरे पानी में अदृश्य हो गई। कृष्ण ने कहा, गलती हो गई, मैं जाके लाता हूँ। नहीं, नहीं जा सकते तुम। कृष्ण दौड़े और छलांग लगाई यमुना में, गए पानी में और कार्य को ललकारा। कार्य के साथ तुमुल युद्ध हुआ और उसके बाद कृष्ण ने कार्य नाग के फणा के ऊपर नृत्य किया। दो तांडव, तीन तांडव हमारे पुराणों में है, एक है कालिका तांडव, एक है शिव तांडव और एक है कृष्ण का काली के ऊपर तांडव। तो यही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृष्ण कालीय।
தாண்டவகதி முண்டன பர நாச்சத பனவாரி தாண்டவகதி முண்டன பர நாச்சத பனவாரி தாண்டவகதி முண்டன பர நாச்சத பனவாரி பம் 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 பக பட்டகத பம் 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 பக பட்டகத. अंत में प्रस्तुत कर रहे हैं छोटा सा एक रास का दर्शन, जो हमारे यहाँ, मैं गुजरात की हूँ, गुजराती हूँ, और गुजरात में स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध गरीब अमीर सभी एक साथ नृत्य करते हैं. और आपकी जानकारी के लिए, देवी पार्वती ने लास्य नृत्य बाणासुर की पुत्री उषा कामरूप असम की राजकुमारी को सिखाया, जो श्री कृष्ण के पौत्र की वधु बनके, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनका पुत्र अनिरुद्ध, उसकी बहु बनके द्वारका आई, और द्वारका यानी सौराष्ट्र की स्त्रियों को उन्होंने वो लास से सिखाया, जो आज रास और गरबा के नाम से प्रचलित है. तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, और उसी के तहत आपके सामने अब एक छोटा सा रास प्रस्तुत करते हैं. रास रसिक वर कृष्ण मुरारी संघ राधा वधु प्यारी.